in this video we will do the chapter number 7 of honeydew a visit to cambridge i'll be explaining the chapter after that we will do the question and answer for the chapter so before you read this is the story of a meeting between two extraordinary people both of them disabled or differently abled as we know as we now say stephen hawking is one of the greatest scientists of our time he suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine like voice. fedos kanga is a writer and journalist who lives and works in mumbai kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child like hawking kanga moves around in a wheelchair. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज था ऑन वॉट इज मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसबल्ड ये कहानी दो ऐसे अद्भुत व्यक्तियों के मिलने की है जो कि दोनों अपंग हैं या जैसे कि आजकल हम कहते हैं भिन्न प्रकार की क्षमता वाले हैं स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिक हैं उन्हें एक तरह की पैरालिसिस की बीमारी है जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर हैं और केवल कंप्यूटर पर कुछ बटन टाइप करके बोल सकते हैं जो कि मशीन जैसी आवाज़ में बोलता है फिरदौस कांगा एक लेखक और एक पत्रकार हैं जो कि मुंबई में रहते हैं कांगा को जन्म से ही एक बीमारी थी जिससे उनकी हड्डियां आसानी से टूट जाती थी कांगा भी व्हील चेयर पर ही चलते हैं इन दोनों महान व्यक्तियों ने अपने अपने विचार एक दूसरे से बांटे और ये भी कि नॉर्मल लोग उन लोगों को कैसे देखते हैं कैम्ब्रिज वॉज माय मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर कैम्ब्रिज एक तरह से इंग्लैंड का रूपक है और ये अजीब बात थी कि जब मैं वहाँ से वापस आया तो ये इसका मायने मेरे लिए बदल गए थे क्योंकि मैं वहाँ स्टीफेन हॉकिंग से मिला था इट वॉन इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन स्टीफेन हॉकिंग पुअर मैन क्वाइट डिसेबल्ड नाउ दो ही इज अवर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन Whose chair he has at the university. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here. Jab Cambridge may a टूर ले रहा था तब गाइड ने मुझे बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में और कहा बेचारा व्यक्ति जो कि अब बिल्कुल अपंग है लेकिन वह आइजक न्यूटन नूट, की कुर्सी पर बैठा है यूनिवर्सिटी में और वह उसके पूरी तरह काबिल है और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं लेकिन वो पूरी तरह से अपंग हैं और एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो कि इस समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है वेन द वॉकिंग टूर वॉज डन आई रज टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट डियरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस देर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया पर ही था आई हैड प्रोपेल्ड माई सेफ ऑल द वे to write about my travels in britain i had to see professor hawking even 10 minutes would do half an hour he said from 3:30 to 4 और जब मेरा टूर ख़त्म हो गया तो मैं जल्दी से दौड़कर एक फ़ोन बूथ पर गया और उसकी तार खींचकर बाहर निकाली ताकि मैं उस तक पहुंच पाऊं और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया वहां उनका असिस्टेंट था जिसने फ़ोन उठाया और मैंने उसे बताया कि मैं व्हील चेयर पर भारत से आया हूँ शायद उसे लगा होगा कि मैं पूरे रास्ते ही व्हील चेयर से आया हूँ अपने ब्रिटेन के यात्रा के बारे में लिखने के लिए मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है अगर दस मिनट भी मिल जाए तो आधा घंटा उसने कहा साढ़े तीन से चार एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉग इज सींग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थाट यू कुड और अचानक मुझे बहुत कमज़ोर सा महसूस होने लगा जब मैं अपंग होकर बड़ा हो रहा था तो लोग मुझसे कहते रहते थे कि बहादुरी दिखाओ जैसे कि बहादुरी का कोई अकाउंट हो और मैं बहुत उससे पैसे चेक से पैसे निकालने में बहुत कंजूसी कर रहा हूँ केवल एक ही चीज़ आपको ताकतवर बनाती है जब आपके जैसा कोई बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेता है प्राप्त कर लेता है तब आपको लगता है कि हाँ ये संभव है आप इससे भी आगे जा सकते हो जहाँ आप हो I haven't been brave," said the disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. मैं बहादुर नहीं हूँ। निर्जीव सी कंप्यूटर की आवाज आई उस दोपहर। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet. Because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion. And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came. आउट इन phrases and एंड सेंटेंसेस स्टिफ corpses. मैं बिल्कुल कहना चाहता था कि ऐसे क्रिएटिवली जीना इस तरह की निर्जीव शरीर में ही आपकी एक चॉइस है लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर बार जब भी कुछ बोलता हूँ उन्हें मेरे जवाब देने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है वह वहाँ छोटे अब वह अपने हाथ से छोटे स्विचेस को दबाकर उन शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहे थे उस कंप्यूटर पर और वो भी अपनी पीली पड़ी हुई उन उंगलियों से जिसमें अब बहुत थोड़ी सी ही हरकत बची थी बार बार उनकी आंखें गुस्से से भर जाती थी क्योंकि उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे और उनके सामने बैठा हुआ मैं उनकी ये हालत देख रहा था दिमाग से निकले शब्द हुए शब्द जमे हुए फ्रेजेस की तरह बाहर आ रहे थे जैसे कि निर्जीव हो चुके हों लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी आई साइड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ आर यू ऑफन लाफिंग इन बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग अपंग होते हैं वो अंदर से बहुत पुरानी तरह से दुखी होते हैं मैंने कहा मैं जानता हूं कि यह सच नहीं है लेकिन क्या आप भी अंदर अंदर हंसते हैं ये बातें सुनकर अबाउट थ्री मिनट्स लेटर ही रिस्पॉन्डेड आई फाइंड इट अम्यूजिंग वन पीपल पेट्रोनाइज मी एंड डू यू फाइंड इट अन वन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क द आंसर फ्लैश यस देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बिंग सेंटिमेंटल और सिली डेट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन दर्ल्ड तीन मिनट के बाद उनका जवाब आया उन्होंने कहा मुझे हंसी आती है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब मेरे जैसे कोई आकर आपके काम में दखल देता है आंसर आया हाँ फिर वो अपनी ही तरीके से उनकी एक तरफा मुस्कान में हंसे बिना कोई विचार किए या कुछ बुरी बात सोचे मैं उनकी तरफ देख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ एज इफ ऑल द होप्स पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज पेपर हैव टर्न थ्री डायमेंशनल पहली बार उन्हें देखना अजीब था क्योंकि वो अपनी उन फोटोग्राफ की तरह थे जैसे कि मैगजीन में या पेपर में छपती हैं लेकिन थ्री में मुझे दिख रहे थे देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इन टू अ स्लम्प द टॉर्सो स्ट्रंक इन साइड द पेल ब्लू शर्ट द वेस्टेड लेग्स यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट बट यू आर शेकिन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थाट कुड बी सीन तब आप उनके सिर की तरफ देखते हैं जो एक तरफ मुड़ा हुआ है और उनकी छाती की तरफ जो सिकड़ी हुई है नीली कमीज़ के अंदर उनके बेकार पैर तब आप उनकी आँखों की तरफ देखते हो जो शांत हैं लेकिन आपको लगता है कि कुछ बोल सकती हैं वो भी बहुत बड़ा और अर्जेंट ये बताना मुश्किल है कि क्या लेकिन आप हिल जाते हो ऐसा कुछ देखकर जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप देखोगे बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इन साइड इज द इनकंडीसेंस मै ऑफ अ मैन द बॉडी ऑलमोस्ट इेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो सो दैट आई नो बिलीवर इन इटरनल सोल्स नो दैट दिस इज वॉट ईच ऑफ अस इज Everything else एल्स accessory. आपके सामने एक ऐसी चीज है जो एक लालटेन की तरह है जिसकी रोशनी केवल आप देख सकते हो जिस इस व्यक्ति के अंदर एक अंदर की रोशनी है शरीर का कोई महत्व नहीं है ये तो केवल एक परछाई की तरह है तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति जो कि अंतरात्मा में विश्वास नहीं करता जानता है कि हम में से हर एक ऐसा के अंदर ऐसी रोशनी है बाकी सब चीज़ें तो सिर्फ बाहरी हैं बनावटी हैं What यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट about डिसेबल्ड आई हैड had हिम अर्लियर आई डोंट थिंक think इज़ is anything गुड अबाउट being डिसेबल्ड आई थिंक आई said. यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडस देर इज इन दर्ल्ड हीशन नो शेड और टोन एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूजियाली आपका अपंग होने के बारे में क्या विचार है मैंने उनसे पूछा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अच्छाई है मैं सोचता हूँ मैंने कहा आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी दया है हाँ उन्होंने कहा यह उनकी आवाज आवाज बनाने वाले कंप्यूटर की डिसेबिलिटी थी कि वो मुझे उनके कोई भी हाव भाव नहीं बता पा रहा था और मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने यह जवाब कितना खुश होकर दिया था और वो मुझसे सहमत थे एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट To watch the द टाइम आई to टू मेक एवरी वन ऑफ 30 थर्टी मिनट्स काउंट आई a huge रिलीफ एंड exhilaration इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ my body हाउ लिटिल इट mattered देन दैट आई वुड नेवर वॉक और even स्टैंड हर बार मैं कुर्सी पर इधर उधर होते समय अपनी घड़ी को देख रहा था मैं इस हर आधे घंटे का हर मिनट इस्तेमाल करना चाहता था मुझे बहुत आराम मिल रहा था यह जानते हुए कि मेरा शरीर क्या क्या कर सकता है इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता है कि मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा या चल नहीं पाऊंगा आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिशे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम नो ही सेड एंड आई आई थॉट हाउ फुलिश टू आस्क योर बॉडी इज अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम and the walls are growing narrower day by day it does not do much good to know that there are people outside smiling with the admiration to see you breathing still मैंने उन्हें बताया कि वो कितने इंस्पिरेशन हैं बाकी लोगों के लिए और मेरे लिए क्या इस बात से कुछ मदद मिली नहीं उन्होंने कहा और मैं सोच रहा था कि मैं कितना मूर्ख हूँ यह पूछने के लिए जब आपका शरीर बहुत छोटा हो या खत्म हो रहा हो दिन प्रतिदिन इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग आपको देख खुश हैं कि आप अभी तक जीवित हैं Is there एनी एडवाइस यू कैन गिव डिस डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइड हेल्प मेक लाइफ बेटर दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट आई थिंक things like the disabled olympics are a waste of time." "i know what you mean. i remember the years i had spent trying to play a spanish guitar considerably larger than i was, and how gleefully i had unstringed it one night." the half hour was up. "i think i have annoyed you enough," i said, grinning. "thank you for "stay." i waited. हैव tea. आई कैन शो यू द गार्डन क्या कोई सलाह आप दूसरे अपंग व्यक्ति को देना चाहेंगे जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे उन्हें उस चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं मुझे लगता है कि डिसेबल्ड लोगों का ओलंपिक समय की बर्बादी है मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हैं मुझे याद है बहुत साल पहले मैं स्पेनिश गिटार को बना बजाने की कोशिश कर रहा था जो कि मुझसे भी बहुत बड़ा था और मुझे याद है कि कितनी खुशी से मैंने एक दिन उसके सारे ताल निकाल दिए एक रात आधा घंटा ख़त्म हो चुका था मैंने कहा मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी परेशान कर लिया धन्यवाद आपका रुकिए मैं रुका कुछ चाय लीजिए मैं आपको बागीचा दिखाता हूं द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क बट स्टीफिन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रंबलिंग अलाग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर वायर आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे ही कुड नॉट टॉक वेरी मच द सन मेड हिम साइलेंट द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसपियरिंग इन अ ग्लेयर वो बगीचा एक पार्क के बराबर था लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने उसका एक एक इंच कवर किया अपनी उस कुर्सी में जिसमें मोटर लगी हुई थी मैं बार बार उनके रास्ते में आने से बच रहा था हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए सूरज ने उन्हें शांत कर दिया था और उनकी स्क्रीन पर लिखे लिखकर आने वाले अक्षर धूप की रोशनी में दिख नहीं रहे थे इन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव आई डिड नॉट नो वट टू डू I could not kiss him or cry. I touched him his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. Watching him an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. Ek हम चलने के लिए तैयार थे मुझे पता नहीं था कि उनको बाई किस तरह से करना है मैं रो भी नहीं सकता था मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और अपनी कुर्सी ले अपनी व्हील से उस गर्मी की शाम चल दिया मैंने वापस देखा मुझे मैं जानता था कि वो मेरी तरफ़ हाथ हिला रहे हैं हालांकि वो नहीं हिला रहे थे उनको देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए बहुत बात मैं अब बहुत बहादुर महसूस कर रहा था मैं अपनी तरफ चल दिया उन बातों पर विश्वास करने के लिए जो मैंने बहुत सालों से सोच रखी थी मैं जानता था कि मेरी यात्रा अब के लिए ख़त्म हो चुकी है मैं जानता था कि मेरी यात्रा अभी के लिए ख़त्म हो चुकी है So, this completes your chapter. Now, we will do the question answer for the chapter. Comprehension check 1, page number 100. Which is the right sentence? Cambridge was my metaphor for England to the writer. Cambridge was a reputed university in England. England was famous for Cambridge. Cambridge was the real England. The answer is Cambridge was the real England. Second, the writer phoned Stephen Hawking's house from the nearest phone booth, from outside a phone booth, from inside a phone booth. The answer is from outside a phone booth because he was on a wheelchair, he cannot go into the phone booth. Every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because he wasn't sure what he wanted to ask. He forced the scientist to use his voice synthesizer. He was face to face with the legend. The answer is he forced the scientist to use his voice synthesizer. I felt a huge relief in the possibility of my body. In the given context, the highlighted words refer to shifting in wheelchair, turning the wrist, standing up, walking, speaking, writing. The answer is first shifting the wheelchair, turning the wrist. Now we move to working with the text. Answer the following questions: Did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why? Yes, the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous because Stephen Hawking was the greatest scientist on the earth. He was the worthy author of the world's renowned book, A Brief History of Time. He had become the successor to Isaac Newton at the University of Cambridge. Meeting with such a great personality made the writer nervous. Second, did he at the same time feel very excited? If so, why? Yes, he felt excited at the same time because it made him stronger to see somebody like him achieving something huge. This made him aware of the many possibilities present before him, thereby helping him to reach out further than he ever thought he could. Guess the first put to the scientist by the writer. The writer might have asked the scientist if he had been brave to reach where he had. Guess the first question put to the scientist by the writer. The writer must. The writer might have asked the scientist if he had been brave to reach where he had. Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? The writer thought that there was a choice. Stephen Hawking could have chosen to leave everything and be sad and depressed. He could have sulked. However, he chose to live creatively, knowing the reality of his disintegrating body. Question number four I could feel his anguish. What could be the anguish? Stephen Hawking's mind was active with many thoughts that he wanted to express. However, his thoughts came out in phrases without reflecting his feelings or emotions. His sentences were mere lines without any sentiment. The writer felt he could understand his anguish and frustration at that. What endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world? The writer asked Stephen Hawking if he found it annoying that someone like him came and disturbed him in his work. To this query, the scientist replied in the affirmative, frankly and honestly. Then he smiled his own one way smile, and this was what endeared him to the writer. The writer felt that he was looking at one of the most beautiful men in the world. read aloud the description of the beautiful man which is the most beautiful sentence in the description the sentence describing the inner glow of hawking's personality which makes his physical looks irrelevant is probably one of the most beautiful description of beauty if the lantern is the man what would its wall be if the lantern is man, its wall is the human body. What is housed within the thin walls? Light of life is housed within the thin walls. What general conclusion does the writer draw from this comparison? The, the writer draws a general conclusion that inside our body is the eternal soul, everything else is unnecessary. What is the scientist's message for disabled? The scientist Stephen Hawking's message for the disabled is they should concentrate on what they are good at. They should make the best use of them and thank God. Why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support? When Stephen Hawking said that, that the things such as disabled Olympics were a waste of time, the writer agreed with him. He remembered the years which he spent trying to play a Spanish guitar that was considerably larger than he was. He was very happy when he unstringed it one night. It supports Stephen Hawking's idea that the disabled should only concentrate on what they are good at and not take up things unnecessarily. The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude? The writer expressed his gratitude to Stephen Hawking because he had been an inspiration for him. He saw Stephen as the embodiment of his bravest self. He felt that if he had been as brave as Stephen, he would have achieved a lot. He felt he was moving towards the embodiment that he had believed in for many years. That is why he expressed his greatest gratitude to him. So, this completes the chapter number 7 of Honeydew. We will do the next chapter in our next video. Thank you.